इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, पहला फ्रैक्चर होता है ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, दूसरा फ्रैक्चर होता है डिफ्रेक्शन फ्रैक्चर, और तीसरा फ्रैक्चर होता है फिशर फ्रैक्चर। तीन फ्रैक्चर होते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर तीन तरह का होता है, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर, डिफ्रेक्शन फ्रैक्चर और फिशर फ्रैक्चर। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर होता है बच्चों के अंदर होते हैं, कॉमन हड्डियों के अंदर होते हैं, बच्चों के अंदर होते हैं जो आसानी से मुड़ जाती हैं, है ना, जो बच्चों के अंदर आसानी से मुड़ जाती है वो ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर होती है, आसानी से मुड़ जाती है, पूरी टूटती नहीं है, लेकिन ऊपर से जो कॉन्वेक्स साइट होती है, कोई बोन है उसकी भी कॉन्वेक्स साइट होती है, कॉन्वेक्स साइट होती है वो टूट जाती है, कॉन्वेक्स साइट होती है वो टूट जाती है, और कॉन्केव साइट होती है उस तरफ से नहीं टूटती है, इनका कंप्लीट फ्रैक्चर। दूसरा फ्रैक्चर होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन के फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, डिप्रेशन बन जाता है, उसके अंदर गड्ढा बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, हाँ, जिससे कोई बोन है, कोई बोन है उसके अंदर वो गड्ढा बन जाता है, डिप्रेस डिप्रेस फ्रैक्चर होते हैं, गड्ढा बन जाता है, डिप्रेस हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिप्रेस फ्रैक्चर। और एक होता है फिशर लाइन फ्रैक्चर, फिशर लाइन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, फिशर लाइन फ्रैक्चर के अंदर होता है फिशर लाइन बन जाती है, है ना, फिशर लाइन फ्रैक्चर के अंदर फिशर लाइन बन जाती है, बिल्कुल बारीक दरार बन जाती है, ना बिल्कुल बारीक दरार बन जाती है जो दिखती नहीं है, जैसे कोई बोन है दरार बन जाती है, बिल्कुल बारीक दरार बन जाती है, तो उसे बोलते हैं फिशर लाइन फ्रैक्चर। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट क्या होता है, है ना, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जैसे गांव में करते हैं, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट एक तो होता है वो बांधते हैं क्या, खपची बांधते हैं, है ना, खपची बांधते हैं खपची बांधते हैं, खपची के अंदर क्या होता है, जो बांस की डंडी होती है, बांस की डंडी होती है उनको बांध देते हैं, बांस की डंडी होती है उनको चारों तरफ से बांध देते हैं, बोन होती है पहले उसको टूटी हुई बोन है उसको फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद में उसकी तरह चारों तरफ से बांस की डंडी होती है, है ना, उस बांस की डंडियों को बांध देते हैं, वो होते हैं खपच्ची बांधना, है ना, खपच्ची बांधना वो होता है इसका ट्रीटमेंट, है ना, गांव में करते हैं। एक होता है पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं, प्लास्टर चढ़ाने का क्या होता है, प्लास्टर के अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है, है ना, कैल्शियम सल्फेट चूने का पानी होता है, चूने का पानी होता है, उस चूने के पानी को वार्म वाटर के अंदर डालते हैं, गर्म पानी के अंदर डालते हैं, गर्म पानी के अंदर पट्टी होती है, पट्टी के अंदर लपेट के और उसको चारों तरफ लपेट देते हैं, है ना, लपेटने का भी एक तरीका होता है, बोन होती है जिस बोन टूटी है उसके दोनों जॉइंटों को आगे और पीछे के दोनों जॉइंटों को उसके अंदर लेते हैं, है ना, तो पीओपी, है ना, ये तो पीओपी करते हैं। गांव में खपच्ची बांधना, है ना, बांस की डंडी, बम्बू स्टिक होती है बांस की डंडी के द्वारा, दूसरा होता है पीओपी, तीसरा होता है तो यदि बोन ज़्यादा टूट गई हो, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया हो, तो उसके ऐसे केस में क्या होता है, सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर पिनिंग, बोन पिनिंग करते हैं, है ना, बोन पिनिंग करते हैं, उनके अंदर पिन डाल देते हैं, है ना, ज़्यादा टूट जाती है तो पिन डाल देते हैं, गांव में बोलते हैं रॉड डाल रखी है, गांव में क्या बोलते हैं, जैसे रॉड डाल दी, पैर के अंदर रॉड डाल दी, रॉड नहीं होती वो पिनिंग होती है, है ना, पिन बिल्कुल बारीक पिन होती है, बारीक पिनिंग कर देते हैं और उसके अंदर स्क्रू कस देते हैं, है ना, स्क्रू कस देते हैं और स्क्रू कस के उसको ऊपर पीओपी चढ़ा देते हैं, है ना, पीओपी चढ़ा देते हैं, कुछ दिनों के बाद में जब वो ठीक होता है, ठीक होने के बाद में या तो रॉड को बाहर निकाल देते हैं या रॉड को अंदर ही रहने देते हैं, है ना, जब वो परेशान करती है तो वो उनको पिनिंग को बाहर निकालते हैं, यदि वो अंदर ही है, अंदर ही परेशान नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकालो चाहे मत निकालो, है ना, तो ये बोन पिनिंग होती है, तो इसलिए इसके ट्रीटमेंट होता है, ये क्या है आपका फ्रैक्चर।